तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में, और ले आया हूँ मैं आपको ये प्रताप छात्रावास के अंदर। और यहाँ पर एक नेशनल मेगा ट्रेड फेयर के नाम से एक मीना बाजार टाइप का लगा हुआ है। आज आपको यहाँ का पूरा व्यू बताने की कोशिश करूंगा, कैसी क्या दुकानें हैं, क्या क्या सामान मिलता है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और मैं आपको आइए यहाँ के अंदर दर्शन कराऊंगा कैसा क्या लगा हुआ है। ये करीब एक महीने के लिए ये गुना सिटी के प्रताप छात्रावास में आया हुआ है ये मेला, और काफी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ के इस मेले की। देख सकते हैं यहाँ पर टिकट का वितरण होता हुआ, 10 रुपए टिकट काउंटर लगाया गया है, आप देख लीजिए। बैक कैमरे से आपको आज यहाँ का व्यू बताऊंगा। निःशुल्क वाहन पार्किंग है। और यहाँ काफी संख्या में लोग शॉपिंग करने के लिए आते हुए देख लीजिए, जगमगाता हुआ गुना शहर के प्रताप छात्रावास का आपको दृश्य दिखाने के लिए आज गुना सिटी के अंदर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी जर्किन शूटर वगैरह का शॉप लगा हुआ है। कहाँ से है? यूपी से। यूपी से है? यहाँ हर साल आते हैं क्या? हर साल आते हैं, एक महीने के लिए। एक महीने के। कैसा क्या व्यवसाय चल जाता है? सही चल जाता है। चल जाता है, हो जाता है। चलिए यहाँ पर सभी लोगों से थोड़ा सा राय जानने की कोशिश करूंगा, कैसा क्या मेला है। यहाँ पर तरह तरह के मतलब कह सकते हैं व्यवसाय करने के लिए लोग आए हुए हैं, देख लीजिए। मम्मी एक ये ले लो। कितने का एक है? 200 रुपए एक है भाई। 200 रुपए का एक है। क्या लोवर है? हाँ लोवर। ये और क्या है? और अबे भाई ये भी गर्म पैजामा। गर्म पैजामा है, कितने का है? 150 रुपए का। 150 का। 150 रुपए का। यहाँ पर कपड़ों का बहुत ज्यादा स्टॉल लगा हुआ है, देख सकते हैं कपड़े की वैरायटी में यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। और आज एक सुंदर वीडियो देने के लिए इस प्रताप छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जगमगाता हुआ एक ट्रेंड मेला लगा हुआ है। यही कब से यहाँ पर आ रहे हैं गुना सिटी के अंदर? जी पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसा क्या व्यवसाय चल रहा है? सही चल रहा है। अभी शुरुआत है मेले की, अभी शुरुआत है मेले की। और यहाँ पर लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आते हुए। कितने का एक है? 200 रुपए का एक है। 200 रुपए का एक लोवर है, देख लीजिए थोड़ा घुमा के बताइए। देख सकते हैं आप क्वालिटी कैसी है? एक नंबर क्वालिटी। एक नंबर क्वालिटी है। 200 रुपए में एक लोवर दिया जा रहा है। कपड़े का बहुत ही अच्छा स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हुए। कैसा क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अभी शुरुआत है जी, अभी शुरुआत है मेले की। और यहाँ गुना सिटी के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉपिंग करने के लिए आते हुए देख सकते हैं आप। यहाँ पर टी शर्ट लोवर जर्किन बहुत सारा वैरायटी लाया गया है। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है व्यवसाय? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। शॉपिंग हो रही है, लोग कर रहे हैं शॉपिंग। बढ़िया। गुना के लोग बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, कारण है शौक पहनने का रखते हैं, और इसीलिए यहाँ पर मेला का चलता हुआ। देख लीजिए यहाँ पर लेडीज आइटम मिल जाएंगे, सूटर वगैरह मिल जाएंगी, जर्किन वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पर मतलब कह सकते हैं शॉपिंग कर रहे हैं क्या? सब मिलेगा। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। गुना के अंदर ये मेला आना अच्छा काम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग करने आए के मेला घूमने आए? शॉपिंग करने आए, पर महंगी महंगा है। क्या ले रही थी? अब लेने को तो हम पूरा ही सोच रहे हैं। क्या बात करते हैं, क्या कहेंगे? क्या महंगा है कि भाई सस्ता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार्केट के हिसाब से किराया मिराया भी निकालना पड़ता है। हाँ जी। चलिए और मैं लोगों से थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। जगमगाता हुआ आप ये प्रताप छात्रावास देख सकते हैं। एक सुंदर वीडियो देने के लिए आज गुना सिटी के प्रताप छात्रावास में आया हुआ हूँ। देख लीजिए यहाँ पर जर्किन का बहुत सारा ले ली है क्या? जी हाँ ले ली। कितने की ली है? 300 रुपए की। बहुत ज्यादा सस्ती है क्या? सच में 300 की है? और क्या, नहीं नहीं मजाक मत कीजिएगा, मेरा दिल कमजोर है। अरे क्या कहेंगे, कितने की है? 800 रुपए की। अच्छी लग रही है, ले लीजिएगा थोड़ा बहुत। इसकी तारीफ करिए। ये आपकी व्हाइट कलर की मुझे ज्यादा सूट नहीं करी, ये अच्छी ज्यादा लग रही है ब्लैक कलर की। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है बाजार? बढ़िया चल रहा है। गुना के लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं और आसपास से भी आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है।
आज आपको गुना का दृश्य दिखाने के लिए ये प्रताप छात्रावास के यहाँ आया हुआ हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यहाँ दुकानों का निर्माण किया गया है। क्या कहेंगे, आराम कर रहे हैं, शॉपिंग करने आई थी हमारा टिफिन सेंटर आपका खुद का है, कहाँ से हैं आप? खाने का गुना से। तो गुना से हैं? दुकान वालों के लिए खाना दिया जाता है टिफिन सेंटर से। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर टिफिन सेंटर सप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शॉप किसके है, ये आपके हैं? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कह सकते हैं चीनी माटी के बहुत सारी वेराइटी लाई गई है। आप बेच रहे हैं? कौन बेच रहा है? आप बेच रहे हैं? कितने का क्या पीस पड़ जाता होगा? ये अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के चीनी माटी के बहुत सारी वेरायटी है जी। अलग अलग लोग खरीद रहे हैं जी। शॉपिंग करने आ रहे हैं? आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीनी माटी का बहुत ज्यादा बढ़िया कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गुलदस्तों में, चाय के कप प्लेटों में आप मतलब देख सकते हैं। एक अच्छा मेला ये प्रताप छात्रावास के अंदर लगाया गया है नेशनल मेगा फ्रेट की तरफ से, और यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हुए। सभी की लूंगा, चिंता मत कीजिए। और आप देख सकते हैं सोफा सेट के मामले में एक अच्छा कलेक्शन यहाँ पर आता हुआ। और ये देख लीजिए, एक बड़ा मार्केट यहाँ पर लगाया गया है फर्नीचर के मामले में। मतलब कह सकते हैं हर चीज की वेरायटी यहाँ पर आपका है। ये कैसा क्या सोफा बेचते हैं? सोफे का रेट 40,000 रूपए और 30,000 रूपए पड़ने वाला। 40,000-30,000 रूपए ग्राहक आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। और मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ये टी टेबल भी है। टी टेबल का क्या रेट है? 8,000 रूपए का वो वाला, 15,000 रूपए। ये देखिए 8,000 रूपए का ये चार कुर्सी और एक टेबल का सेट, इसके अलावा है वो 15,000 रूपए का है। मतलब कह सकते हैं क्वालिटी है, फिनिशिंग है, उसी का ये पेमेंट लेते हुए ये पलंग रखे हुए हैं। पलंग का क्या प्राइस है? पलंग 30,000 रूपए का, 40,000 रूपए का सागवान। डबल बेड का पलंग 30,000 रूपए का। कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल होता है? देवदार में है, सागवान में पड़ने वाला। ये देख लीजिए यहाँ पर पलंग का भी रेट है। और मतलब कह सकते हैं एक बड़ा मार्केट ये प्रताप छात्रावास के अंदर लगाया गया है। बने रहिएगा वीडियो में, एक सुंदर वीडियो देने के लिए आज यहाँ आया हुआ हूँ। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। देख सकते हैं कॉर्पोरेट के मामले में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की वैरायटी की यहाँ पर कलेक्शन पेश किया गया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बताइए जरा कौन सा वाला है ये? बुलंद वाला सर। ये घर में बिछाने के लिए होता है कालीन। मतलब कह सकते हैं एक कालीन यहाँ पर बड़ा कलेक्शन लाते हुए कितने का एक पीस देखा जा रहा है? अलग अलग प्राइस का है, 3,000 रूपए से स्टार्टिंग है। 3,000 से स्टार्टिंग है, बाकी और बढ़ जाएगी रेट जी जी। ये देख लीजिए यहाँ पर कालीन का वेरायटी क्वालिटी यहाँ पर दी गई है। 3,000 रूपए का एक पीस से शुरुआत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी माटी के गमलों का बहुत ही सुंदर कलेक्शन लाया गया है। कैसा क्या छूट वगैरह दे रहे हैं क्या? भारी छूट के साथ। भारी छूट बताइए, क्या छूट है? 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। वैसे एक क्या प्राइस होगा? अलग अलग रेट होगी, ये सबका अलग अलग रेट है। ये 450 का है, ये 350 का है, ये 150 का है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में कितने कम का है? ये 350 रूपए, 350 रूपए, इसमें 25% छूट। ये देख लीजिए 350 में 25% छूट दे रहे हैं। यहाँ पर शॉपिंग का बहुत ही बड़ा संग्रहालय लगाया गया है यहाँ के दुकानदार भाइयों की तरफ से। आप देख सकते हैं कपड़े के मामले में बहुत ही बड़ा ये मार्केट लाया गया है। हर चीज की यहाँ पर क्वालिटी मिल जाएगी, वेरायटी मिल जाएगी। शॉपिंग की है, कितना आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। मतलब इंजॉय कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और शॉपिंग वगैरह भी की जा रही है? शॉपिंग भी कर ली और जो है ना आइसक्रीम भी खा ली। आपने नहीं खाई है आइसक्रीम? नहीं, मैंने नहीं खाई। सर्दी का मौसम है यहाँ पर, देखिए लुप्त उठाते हुए गुना के निवासी कारण है ऐसे। मतलब मौसम भी बढ़िया है, न सर्दी है न गर्मी है। मौसम अच्छा है, उसी का एंजॉय करते हुए ये गुना के निवासी आज आपको पूरा ये मेला दिखाने वाला हूँ। गुना सिटी के अंदर आया हुआ हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। आप देख सकते हैं ये घर संसार सेल मिल जाएगी आपको यहाँ पर, सेल के रूप में यहाँ पर एक बड़ा मार्केट लगाया गया है। और मैं आपको दिखा, यहाँ देखिए महिलाओं का बहुत ज्यादा तादाद है और घर का सामान खरीदते हुए यहाँ पर। और ये देख लीजिए, नमस्कार नमस्कार, कौन बेच रहा है? आप बेच रहे हैं? कौन बेच रहा है? कितने का एक रेट है? सबका अलग अलग रेट है। चलिए यहाँ पर चैनल है मेरा यूट्यूब पर विद्या सुरेंद्र ब्लॉग के नाम से, बड़ा मोबाइल रखते हैं तो देख लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यूनिक
प्रोडेम्सी मतलब क्या खेल खिलौने वगैरह मिल जाएंगे बच्चों के, कितने का है? गाड़ी वगैरह कितने की है? 150। ले ली क्या कोई गाड़ी वाड़ी ली क्या? अरे ले लो यार, लम्बी मत दो मऊ छोला की, कोई सी खरीद के जाओ बताओ हो दूरबीन लेते हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैं आप अमेरिकन भुट्टे? अमेरिकन भुट्टे लाए गए हैं गुना सिटी के अंदर, मैं पूछने की कोशिश करूंगा भाव कई अमेरिका के हैं क्या? अमेरिका के हैं। बहुत महंगा पड़ जाता होगा अमेरिका से जातक मंगाना? 100 रुपए का। बैच कितने का रहे हैं? 200 रुपए का। 200 रुपए का बहुत ज्यादा महंगा है, बिक रहा है क्या? बिक रहा है मतलब कह सकते हैं 200 रुपए का ही भुट्टा आता है, मैंने जीवन में नहीं खाया है। अच्छा लगता है? आपने चखा है क्या? खाया है? कैसा स्वाद है? अच्छा है, मीठा सा। स्वाद मीठा है। देखिए यहाँ पर अमेरिकन भुट्टे बिकते हुए और यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉल लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। स्पेशल चना जोर गरम, आपने गाना सुना होगा चना जोर गरम जो मनोज कुमार की पिक्चर में आया था, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा शानदार ये नमकीन का स्टॉल लगाया गया है। कहाँ से है? और यहाँ स्टॉल लगाने के लिए आसान आते हैं क्या? हर बार आते हैं, एक महीने का टूर होता है, बिकता है मसाला। यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार ये स्टॉल लगाया गया है। क्या क्या मिल जाता है आपके पास? भेलपुरी, चनाजोर, पेटे, सभी कुछ नमकीन मिल जाता होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा भेलपुरी का ये चने का स्टॉल लगाया गया है, और लोग यहाँ पर खरीदते हुए और अपने मुंह का स्वाद बदलते हुए। देखिए यहाँ पर खाने पीने का बहुत ज्यादा आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम वगैरह सर्दी का मौसम है, बिक रही है कि नहीं? बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, थोड़ी सी सर्दी कम है। चलिए यहाँ पर देखिए सॉफ्टी आइसक्रीम वगैरह का भी एक स्टॉल लगाया गया है, और तरह तरह के यहाँ पर झूले आए गए। देखिए यहाँ पर पॉपकॉर्न बेचते हुए, गुड़िया के बाल बेचते हुए, कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ग्राहक आ रहे हैं? एक नंबर, एक नंबर। ये बोल रहे हैं आपका कौन सा चैनल है? चैनल है मेरा यूट्यूब पर विद्या सुरेन ब्लॉग के नाम से। बड़ा मोबाइल रखते हैं तो देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा देख कर तो बताइए कैसा दिखता है, ग्राहक आएंगे जब आएगा। देखिए यहाँ पर ये पॉपकॉर्न का मशीन लगाया गया है, और यहाँ पर भाई साहब कुछ लिखते हुए, क्या लिख रहे हैं भाई साहब? चाय लिख रहे हैं, तो मतलब कि कितनी बेचती है? 250। आपने 10 पी ली है और 250 बेचती है, कितने का टारगेट लेके निकलते हैं? 1000 बेच देते होंगे। ये देखिए यहाँ पर 1000 चाय बेच देते हैं आदरणीय भाई साहब, और यहाँ पर अनार पाइनएप्पल मौसम्बी का जूस बेचते हुए यहाँ पर फ्रेश जूस दे रहे हैं। देख लीजिए एक मेला का आपको दर्शन कराता हुआ कारण है, ये प्रताप छात्रावास के अंदर लगा हुआ है, काय काय का जूस बेच देते हैं, पाइनएप्पल मौसम्बी अनार ऑरेंज सभी का। क्या रेट क्या लगाते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए कोई भी जूस पी ले 10 रुपए। ये देखिए यहाँ पर मात्र 10 रुपए में आपको ये मौसम्बी, पाइनएप्पल, अनार और कुछ कुछ का दोस्त दे देंगे। यहाँ पर देख लीजिए स्टॉल तरह तरह के यहाँ पर लगाए गए हैं, और खाने पीने की भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे, कुछ खाया है क्या? अभी बैठे हैं, बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मतलब कह सकते हैं मुंह का स्वाद बदल रहे हैं। यहाँ पर लोग शॉपिंग करते हुए और मुंह का स्वाद बदलते हुए यहाँ पर देखिए क्या खाया जा रहा है, छोले भटूरे। क्या प्लेट लिया है? 50 रुपए। 50 रुपए में यहाँ पर 50 रुपए में छोले भटूरे बेचते हुए मतलब कि ग्राहक आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं छोले भटूरे, जरा एक आध भटूरा बना के बताइए, और यहाँ पर देख सकते हैं लोग एंजॉय करते हुए इस मेले का आनंद ले रहे हैं। क्या बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और कुछ मुंह का स्वाद बदल रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर जूस के साथ छोले भटूरे खाते हुए, आइए मैं आपको छोले भटूरे बनते हुए बताता हूँ यहाँ पर भटूरा कैसे तला जाता है। देखिए देख सकते हैं आप भटूरा तलता हुआ,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देख सकते हैं छोले भटूरे का स्टॉल लगाया गया है और गरम गरम भटूरा देख सकते हैं आप भाप छोड़ता हुआ। और देखिए यहाँ पर बॉम्बे की भेलपुरी के नाम से एक स्टॉल और मिल जाएगा। यहाँ पर भेल बेचते हुए नमकीन बेचते हुए यहाँ पर दुकानदार भाई क्या खाया जा रहा है? बटर पिज्जा, पनीर पिज्जा। एंजॉय कर रहे हैं जी? फैमिली के साथ आए होंगे? नहीं नहीं, अकेला अकेला आए थे। मजा आ रहा है, मौसम भी बढ़िया है, सबको मजा आता हुआ कारण है, मौसम एकदम सुहाना है। क्या बेच रहे हैं भाई साहब? तंदूरी पिज्जा है, चीज बर्गर है। अच्छा अच्छा, क्या लिया जा रहा है, कुछ बदला जा रहा है क्या मुख का स्वाद बताइए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से घबराते हैं, कारण है सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन लोग सेल्फी देने में व्यस्त रहते हैं, दूसरे के कैमरे पर नहीं आते हैं। मैं कुना का छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ और यहाँ की वीडियो बनाने का कारण है, लोगों को पता चलना चाहिए कुना में भी कोई यूट्यूबर है। यहाँ देखिए बच्चे इंजॉय करते हुए आनंद लेते हुए इस मेले का, और यहाँ पर लोग बच्चों को झुला रहे हैं, बच्चों को घुमा रहे हैं। यहाँ पर फैमिलियाँ आई हुई हैं और बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए आज एक सुंदर मेले का आपको दृश्य दिखाने के लिए ये प्रताप छात्रावास के अंदर आया हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर क्या क्या बेच रहे हैं। चाट है, पेटे है, पानी फुल्की है, दही फुल्की है, और मतलब कह सकते हैं ग्राहक आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है, मन भर के आ रहा है, मन भर के आ रहे हैं। गुना के लोग बहुत ही ज्यादा मिलनसार हैं और गुना के लोग बहुत ज्यादा खाना पीना पसंद करते हैं, उसी का आप देख सकते हैं यहाँ पर एंजॉय करते हुए ये गुना के निवासी आसपास शहर के। यहाँ पर देखिए बड़ा झूला लगाया गया है, बच्चे आ रहे हैं क्या? जी आ रहे हैं। आ रहे हैं और चल रहा है काम? हाँ जी चल रहा है। यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर ग्राहक बराबर आते हुए, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा निशान लगाने के लिए फुक्के वगैरह, यहाँ पर देखिए युवा निशान लगाता हुआ और अपना थोड़ा देता हुआ कि क्या मैं निशाने आज बच सकता हूँ, क्या बच सकते हैं क्या, एक आध फोड़ा क्या? वाह देख लीजिए एक बार में एक फोड़ता हुआ ये नन्ना मुन्ना युवक, देख लीजिए निशाना बहुत ज्यादा सटीक है इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है थोड़ा सा इधर देखिए, बता तो कैसा लग रहा है, देखिए कैसा लग रहा है मेले में पापा के साथ? अच्छा लग रहा है, अच्छा बोल दे बेबो, अच्छा बोल दे, अच्छा बोल दे, ताता बोल दे, चलिए यहाँ पर देखिए जी नन्ने मुन्ने युवक के साथ अपने फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करते हुए लोग। और ये देखिए बड़े बड़े झूले इस मेले के अंदर लाए गए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा युवा कन्याएं एंजॉय करती हुई इस मेले का कारण है। ऐसा मेला आपको कभी कभी देखने को मिलता है, ये साल भर में एक बार आता है। और यहाँ पर देखिए युवा सॉफ्टी का एंजॉय करते हुए सॉफ्टी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे एक नंबर मस्त, एक नंबर लग रहा है सॉफ्टी खाते हुए के मेला में घूमते हुए, मेला में घूमते हुए भी और सॉफ्टी खाते हुए, मतलब दोनों चीजों के मजे लिए जा रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए युवा कारण है। ऐसा मेला कभी कभी देखने को मिलता है, ये साल भर में एक बार आता है, यहाँ प्रताप छात्रावास के अंदर लगाया जाता है। अभी शुरुआत है, यहाँ पर आइएगा अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। ये प्रताप छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, ये एक महीने के लिए यहाँ पर नेशनल फेड के नाम से ये मेला आया हुआ है। एंजॉय कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं कि नहीं? बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बड़े मेले का आनंद ले रहे हैं, मतलब कि अभी शुरुआत है, फिर भी ठीक है जनता का आना, शुरुआत है फिर भी जनता बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर आती हुई अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ मनोरंजन करने के लिए। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर टिकट वगैरह कटते हैं, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और बच्चे वगैरह घूम रहे हैं, ये देखिए एक बच्चा मतलब हवाई जहाज को चलाता हुआ, ये सपने हैं और एक दिन पापा मम्मी इनको पूरा करेंगे, बच्चे को घुमा रहे हैं जी, जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेले में घूमकर बहुत अच्छा लग रहा है। शॉपिंग वगैरह की है? शॉपिंग नहीं किया, शॉपिंग नहीं किया है, ओनली घूमने और चाट पकौड़ी खाने आए हैं। बताइए क्या खर्चा कर दिया है आज? शॉपिंग नहीं कराई है, शॉपिंग नहीं, शॉपिंग भी करेंगे, अभी चाट पकौड़ी खाली है,
यहाँ पर फैमिलियाँ शॉपिंग करते हुए अपने बच्चों के साथ फुल एंजॉय करते हुए कारण है एक एंजॉय करने के लिए आज एक सुंदर वीडियो देने के लिए ये गुना सिटी के अंदर आया हुआ हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर एंजॉय करते हुए अपने बच्चों के साथ यहाँ पर चाट पकौड़ी खाते हुए आनंद लेते हुए मेले का आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं मेले का, बिल्कुल ले रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को लेके आए बहुत ज्यादा। यहाँ पर देखिए बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, फैमिली के साथ यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और फुल मनोरंजन यहाँ पर करते हुए देख लीजिए। एक सुंदर वीडियो देने के लिए आज गुना सिटी के अंदर आया हुआ हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। देखिए फैमिलियाँ शॉपिंग करते हुए शॉपिंग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं मेले का। यहाँ पर लोग थोड़ा सोशल मीडिया से घबराते हैं, उसी के कारण जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या कहेंगे, आनंद ले रहे हैं मेले का। मेले का काफी अच्छा मेला लगा है, बहुत ही सुंदर। और मेले में ठंड के मौसम में सभी आनंद लेते हुए, गुना में भव्य मेला लगा हुआ ये, और हर साल आता है मेला, हर साल आता है। और आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पर। क्या दिलाया है, शॉपिंग वगैरह कराई है कि नहीं? अभी आए हम ही, प्रवेश ही करा है, अभी देख के निपल लेते हैं। अच्छा अच्छा, देखकर देखिए यहाँ पर फैमिली आई हुई हैं और देखकर शॉपिंग करते हुए देखिए बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हुए। एक अच्छे मेले का आपको दृश्य दिखाने के लिए ये गुना सिटी के अंदर आया हुआ हूँ। देखिए क्या लिया जा रहा है, शूटर ली जा रही है, शूटर ली जा रही है। और कैसा लग रहा है मेले में? बढ़िया लग रहा है, लाइटें चमक रही हैं। और महंगाई वगैरह तो नहीं है? अभी तो लिया नहीं है, महंगाई है। और क्या, चलिए महंगाई है लेकिन यहाँ पर लोग शॉपिंग करते हुए कारण है। महंगाई तो है लेकिन अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर मिलती हुई आप देख लीजिए। यहाँ पर महिलाओं के श्रृंगार के लिए बहुत ज्यादा आइटम मिल जाएंगे, कारण है महिलाओं से ये मार्केट चलता हुआ। देखिए यहाँ पर तरह तरह के कौन कौन से अचार मिल जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन कौन से अचार मिल जाते हैं? क्यों सारे अचार? आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, ग्राहक कैसे आएंगे? आप थोड़ा सा बताइए कौन कौन से मिल जाते हैं। सब मिल जाते हैं शर्मा ये मत, थोड़ा सा खुल के बताइए। मार्केट में दुकान लेके बैठे हैं आप, यहाँ पर क्या बेच रहे हैं भाई साहब? कश्मीरी शॉल। कश्मीरी शॉल कहाँ से है? कश्मीर से। कश्मीर से आए हैं यहाँ शॉप लगाने, कैसा लगता है हमारे गुना शहर में? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया अच्छा। और हमारे गुना के निवासी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। शॉपिंग करते हैं, आनंद आता है हमारे गुना सिटी में, सभी लोगों को आनंद आता है। कारण है मिलनसार लोग हैं हमारे गुना के। यहाँ पर देख लीजिए राजस्थानी चूरन गोलियां मिल जाएंगी, ग्राहक आएंगे। लेकिन सेठ जी अभी गायब हैं। क्या कहेंगे, क्या ले लिया जाए? चूरन, चूरन हाजमे का पर है, ले लिया है। क्या लेंगे? ले लिया। यहाँ पर चूरन लेते हुए भाई साहब हाजमे का। और क्या बेचा जा रहा है? जयपुरी कुर्ती है सर, जयपुरी कुर्ती है। जयपुरी कुर्ती है, कहाँ से है? जयपुर से। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ देखिए घड़ी वगैरह का क्या क्या आइटम मिल जाता है, अच्छा कुछ वैरायटी है क्या आपके पास? बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी मिल जाएगा, बॉम्बे का फैंसी सब मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी में। और रेट क्या लगाते हैं? जो जैसा लोग उसके जैसा ग्राहक मिल जाता है वैसी रेट लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट से तो कमी होगी, मार्केट से कम रेट लगाते हुए कहाँ से है? राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर से आए हैं, यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ पर जोधपुर से आते हुए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए फिक्स रेट है 200 रुपए, कोई भी माल खरीदे 200 रुपए, कोई भी माल खरीदे 200 रुपए। पसंद आए बोलो 200 रुपए, दो पसंद आए वो 200 रुपए। हाँ। लेडीज हो, जेंट्स हो, जूता हो, चप्पल हाँ। हो, जो कुछ भी हो बोलो, जो लेना है बोलो, मात्र 200 रुपए दो। बॉम्बे ऑफर, वह देखिए बॉम्बे का ऑफर देते हुआ ये युवा कहा, ये दुकान कहाँ से हो, कहाँ से हो थोड़ा और ये बताइए, कहाँ से हो? हम बॉम्बे, बॉम्बे से हैं। बॉम्बे। और व्यवसाय करते हैं मतलब कि हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। ये शॉप आप ही संभालते हैं? हाँ। यहाँ पर बॉम्बे से आए हुए हैं। और यहाँ देखिए ये भी फिक्स रेट है, यहाँ पर तरह तरह के आपको कंगन मिल जाएंगे। फिक्स रेट है भाई साहब, कोई सा भी कंगन ले 150 रुपए। इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं, क्या कारण है? कारण है बस पब्लिक की सेवा, पब्लिक की सेवा में। कहाँ से है? जयपुर से। यहाँ पर कंगन का व्यवसाय करते हुए कारण है पब्लिक की सेवा के लिए ये गुना सिटी के अंदर ये मेले का हिस्सा बने हुए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर तरह तरह के सुंदर सुंदर कंगन मिल जाएंगे। एक सुंदर वीडियो देने के लिए आज गुना सिटी के अंदर आया हुआ हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या बेचा जा रहा है, कहाँ से है? कश्मीर, कश्मीर। दिल्ली से? कश्मीर से। कश्मीर से,
आप भी कश्मीर से हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, क्या बेचा जा रहा है? खादी शर्ट। खादी, टोटल खादी है, क्या प्राइस होगा? 500 की दो है। 500 की दो है, मतलब कि खादी का ट्रेंड बढ़ाते हुए लोग खादी पहने, ऐसा कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। खादी का, क्योंकि खादी का बहुत ज्यादा अहमियत होता है। हाँ जी। ये भारत देश में बनती है जी, ये यूपी मेरठ बनती है। हाँ, यहाँ पर देखिए खादी का सामान बेचते हुए 500 रुपए में दो शर्ट मिल जाएंगे, कुर्ते मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको। ये खादी का शॉप लगाया गया है और यहाँ पर दूर दूर से लोग अपना व्यवसाय करने के लिए आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों के साथ क्या ले लिया है? अभी हमारे बिट्टू, हम छुट्टी ले रहे हैं यहाँ से। बच्चे देव अपनी कन्यादान के लिए कुछ शॉपिंग कराते हुए कारण है, कन्या बहुत ही ज्यादा जरूरी है माँ बाप के लिए। देखिए यहाँ पर महिलाओं का आइटम बिकता हुआ। और यहाँ पर देखिए पास में ही ये बैग वगैरह की शॉप मिल जाएगी और तरह तरह के आपको यहाँ पर लेडीज पर्स मिल जाएंगे। क्या अलग अलग रेट है? 500 के, 500 रुपए के दो मात्र, मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा है ये मेला। क्या कितने का एक है? 300 का एक, 500 के दो। 300 का एक, 500 का दो, कोई सी भी लिए, कोई सी भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए आप बहुत ही ज्यादा अच्छा कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कहाँ से हैं ये? विदिशा, दिल्ली से। हाँ। और यहाँ पर शॉपिंग करते हैं? हाँ करते हैं ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाओं के यहाँ पर पर्स मिल जाएंगे। तो आइएगा यहाँ पर शॉपिंग करिएगा, और इससे पहले मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेन ब्लॉग को। ये वो दुकान में आपको बता रहा हूँ, इसका आपने बहुत ज्यादा ऐड देखा होगा मोबाइल पर, टीवी पर। और ये भाई के बाल देख सकते हैं, एक मतलब कह सकते हैं इतने बड़े बाल कैसे बढ़ाए हैं आपने? सर हम ये बालों के लिए तेल होता है ये लगाते हैं, हम पूरा घर फैमिली लगाते हैं। बाल लंबा घना डाट करता है, झड़ना टूटना बाल, 5 दिन में रुकावट, महीने में 2 से 3 इंच बाल बढ़ता रहता है। हम कर्नाटक मैसूर से, होम डिलीवरी भी से भी होता है सर। किस नाम से ये तेल है आपका? ये आदिवासी लक्ष्मी हेयर ऑयल। आदिवासी लक्ष्मी हेयर ऑयल, आपका तो एड वगैरह भी चलता है यूट्यूब, बहुत सारी वेबसाइट पे भी हमारा चलता है, बहुत सारा मतलब कह सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दुकान यहाँ पर लगाई गई है, ये बालों को झड़ना बंद करा देगी आपके बाल। आप बाल देख सकते हैं कितने ज्यादा लंबे घने बाल हैं। झड़ना टूटना बाल रुकावट होता है, महीने में 2 से 3 इंच बाल बढ़ता रहता है। और काले बाल, सफेद बाल काले हो जाते हैं, एक महीने के अंदर जो व्हाइट बाल है वो नया होकर निकलेगा, वो काला होकर निकलता है। ये देखिए सफेद बाल काला होकर निकलता है, ऐसा कहना, ये आदिवासी लक्ष्मी हेयर ऑयल के नाम से ये शॉप मिल जाएगी। और एक महीने के लिए आपको ये गुना सिटी के अंदर है, तो यहाँ पे आइएगा, बालों की समस्या हो तो ये दूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए यहाँ पर मोजाओं की बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी। कितने के पीस दिया है? 100 के 100 रुपया। 100 रुपया के कितने हैं? 100 रुपए के 4 जोड़ी। 100 रुपए के 4, यानी 25 का एक पड़ रहा है। 100 रुपए के 4 यहाँ बच्चों बड़ों सभी के मोजे मिल जाएंगे। जी हाँ जी हाँ। यहाँ पर देखिए मोजों का एक सुंदर कलेक्शन लगाया गया है। यहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं, तो लोग यहाँ से थोक रेट पर यहाँ से मोजे वगैरह खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए यहाँ पर लोग शॉपिंग करते हुए। ये देख लीजिए यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानों का आपको कलेक्शन दिखाता हुआ। ये साड़ियों की देख सकते हैं, 500 की कलपत्ता, क्या कहेंगे कितने की एक साड़ी है? भाभी के लिए 500 की 4, 500 की 2, 500 की 4, नानी के लिए 500 की 3। कौन सी जगह 500 की 3 है? ये देखिए यहाँ पर 500 की 4, 500 की 3 है, एक थोक रेट लगाते हुए ये है। ये इतनी सस्ती बेचने का क्या कारण है? कौन आप बताइए ना, कौन क्यों इतनी सस्ती बेचने का क्या कारण है? लॉट में आती है, थोक में है। यहाँ पर कहाँ से है? बनारस के। यहाँ देखिए सस्ती साड़ी बेचते हुए, अगर आपको सस्ती साड़ी पहनने का शौक है तो यहाँ से ले सकते हैं, 500 की 3, 500 की 4 यहाँ पर बेचते हुए। और यहाँ लोग शॉपिंग करते हुए क्या बेच रहे हैं? खादी शर्ट है। कितने की एक है? क्या हुआ, कितने की एक है? 250। 250 की एक है। यहाँ पर खादी की बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी आपको, देख लीजिए।
और ये कह सकते हैं कपड़ों का मार्केट कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये कपड़ों का मार्केट यहाँ पर लगाया गया है। देखिए यहाँ शर्ट मिल जाएगी 350 में एक पीस। यहाँ रेडीमेड मामले में आपको बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन मिल जाएगा है, मतलब कह सकते हैं 350 की एक बेच रहे हैं और 1000 में तीन 50 रुपए कंसेक्शन, मतलब कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी का माल यहाँ पर आया गया है। और यहाँ देखिए पैंट वगैरह भी मिल जाएंगे। एक सुंदर वीडियो देने के लिए आप देखिए यहाँ पर पापड़ों का बहुत सारा कलेक्शन है, काय काय के पापड़ मिल जाते होंगे, सब अलग अलग फ्लेवर पापड़ है, सब अलग अलग सभी तरह के फेमस पापड़ आपके पास मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक पापड़ का बहुत ही सुंदर कलेक्शन दिया गया है, यहाँ पर सभी तरह के कलेक्शन आपको मिल जाएंगे पापड़ों के मामले में। जड़ी बूटी भी है, पुरानी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देख सकते हैं जड़ी बूटी का व्यवसाय कर रहे हैं। ये व्यवसाय कब से कर रहे हैं आप? ये व्यवसाय तो पुराने हमारे बड़े निकल गए सर, हमारी खानदानी पुराने। कहाँ से हैं आप? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल से हैं और ये व्यवसाय करते हैं जड़ी बूटियों से, इलाज वगैरह भी हो जाता है इनसे? जी जी हाँ, इससे गठिया बाय है, गैस है, कब्ज है और अपना पीला पेशाब जाता, धात कटता, कमर जोड़ों में गांठों में सूजन आ जाती है, ऐसे कई प्रकार के लिए दवाई इलाज हो जाती है। यहाँ पे देखिए कई प्रकार के, ये देख लीजिए यहाँ पर एक महीने के लिए ये शॉप लगी है और यहाँ से आप आपको कोई भी बीमारी हो अगर आपका इलाज सही तरह से नहीं हो रहा हो तो एक बार यहाँ पर भी ट्राई कीजिएगा। पहले हमारे पूर्वज देसी इलाज ही करते थे, आयुर्वेद को बहुत ज्यादा मानते थे, अब थोड़ा सा पैथोलॉजी बढ़ गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर तरह तरह के आपको लेडीज जूती मिल जाएंगी, एक सुंदर कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये वीडियो बनाने के लिए आज इस प्रताप छात्रावास के अंदर आया हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर जूतियों का कलेक्शन मिल जाएगा। कहाँ से हैं भाई साहब? पंजाबी जूती। और यहाँ पर कितने का रेट? अलग अलग रेट है के एक रेट लगाई गई है? 350। अलग अलग रेट है? 350। अलग अलग यहाँ पर रेट लगाई गई है। सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर जूतियाँ मिल जाएंगी ये महिलाओं के लिए। और एक बहुत ही बड़ा ये मेला लगाया गया है प्रताप छात्रावास के अंदर और आप यहाँ पर आइएगा शॉपिंग करने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। इससे पहले मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को देख लीजिए जगह जगह आपको। ये देखिए यहाँ पर बच्चों का सुंदर कलेक्शन मिल जाएगा। अलग अलग रेट है कि एक रेट है? अलग अलग रेट। अलग अलग रेट है और बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, बढ़िया फैंसी। ये देखिए फैंसी कपड़े के मामले में आपको यहाँ पर बच्चों के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाएंगे। कुल मिला के कह सकता हूँ एक अच्छा मार्केट आपको दिखाने के लिए ये प्रताप छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। और आज एक सुंदर वीडियो देने के लिए ये मेले में आया हुआ हूँ। क्या कहेंगे, शॉपिंग कर ली है क्या? चलिए यहाँ पर लोग गुना से लोग थोड़ा सा क्या कहेंगे सर, हम दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ व्यवसाय करते हुए, चोरी का माल सर लेके आए हुए हैं, सब बेचते हैं हम लोग दिल्ली, बेचते हैं और बिक रहा है क्या? बिक रहा है अच्छी तरह, ग्राहक आ रहे हैं, दिल्ली चोर बाजार से आए हुए हैं, चोर बाजार से आए हैं, चोर बाजार की बात मत कीजिए। क्या कहेंगे, कैसा बिक रहा है, ग्राहक आ रहे हैं? अभी मार्केट ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं गुना के लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं? अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। हाँ। बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक होगी, आएगी आएगी यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग शॉपिंग करने के लिए आने वाले हैं। 500 में 5 बेच रही है। कितने का है? 500 में 5। 500 में 5, थोड़ा सा घुमा के बताइए क्या है ये? स्वेटर है, गर्म स्वेटर। गर्म स्वेटर 500 में 5, इतना सस्ता बेचने का क्या कारण है? गर्मी है, गर्मी है। हाँ। यहाँ पर देख लीजिए 500 के 5 आइटम भी बिकते हुए एक अच्छे मेले में आपको आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर लोग भारी तादाद में शॉपिंग करते हुए आते हुए शॉपिंग करने आए हैं। क्या लेने आए हैं? मेला में घूमने आए हैं कि चाट पकौड़ी खाने आए हैं? कुछ दिला के जाएंगे? कुछ दिलाया है कि नहीं? अभी नहीं दिलाया।
अभी नहीं दिलाया है तो कब दिलाएंगे? अभी तो आए हैं यहाँ पर लोग, अभी आए हैं और यहाँ पर है क्या ले लिया है? अभी तो आए हैं, अभी आए हैं यहाँ पर सभी लोग, अभी आए हैं और शॉपिंग करते हुए इस मेले का आनंद उठाते हुए बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूँगा। आज सुंदर मेले के आपको दर्शन करा रहा हूँ, बने रहिएगा वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को, और गुना की सुंदर सुंदर वीडियो आपको देने वाला हूँ अपने चैनल पर। देखते ही आपको एक सुंदर स्वेटर के शॉप पे ले आया हूँ, यहाँ पर लोग देखते हुए देख रहे हैं कि खरीदेंगे भी, खरीदेंगे कोई सा पसंद आया है? दिखा रही है अच्छी, ये देखिए ये दिखा रही है अच्छी इनको, और यहाँ पर लोग लेते हुए ले लिया है कि कोई पीस ले लिया, बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, मतलब पूरी तनख्वाह खत्म कर दी है क्या? पूरी तनख्वाह खत्म करते हुए यहाँ पर गुना के निवासी कारण है, अगले महीने फिर मिल जाएगी तनख्वाह, इसलिए आज ही पूरी तनख्वाह खरीद करते हुए ले ली है क्या? पसंद कर ली है, कैसी लग रही है? और सस्ता है कि महंगा है? ठीक है, मौसम के हिसाब से यहाँ पर लोग शॉपिंग करते हुए देखिए, स्वेटर मिल जाएगी आपको यहाँ पर, लेडीज आइटम मिल जाएंगे, एक अच्छे मेले में आज आपको लेकर आया हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए कला का अच्छा प्रदर्शन किया गया है, ये लकड़ी में यहाँ पर अच्छे अच्छे आइटम बिकते हुए, ये देखिए गांधी जी का चरखा भी है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको घर में सजाने के आइटम मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं एक अच्छी कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अच्छे अच्छे सुंदर यहाँ पर बॉच मिल जाएंगे सजाने के लिए, और यूनिक आइटम मिल जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके घर को सजाने के लिए, ऐसे यूनिक आइटम आपको ये साल भर में एक बार मिल पाएंगे। एक साल कहाँ से हैं आप? सहारनपुर। और यहाँ व्यवसाय करने के लिए हर साल आते होंगे? ये देखिए यहाँ पर दूर दूर से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कैसा लग रहा है यहाँ पर मेले में? अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं जी। और शॉपिंग कर ली है क्या? हाँ बस बिल्कुल। और चाट वगैरह खा ली है क्या? अच्छा बढ़िया। खिलाई की नहीं इन्होंने? खिला दी। यहाँ पर लोगों को आनंद आता हुआ यहाँ पर लोग शॉपिंग करते हुए कारण है, ऐसे मेले हमारे गुना में कभी कभी लगते हैं, और उसी का यहाँ पर लुप्त उठाते हुए लोग। चैनल का नाम क्या है आपका? चैनल है मेरा यूट्यूब पर विद्या सुरेंद्र ब्लॉग के नाम से, विद्या सुरेंद्र ब्लॉग करिए यूट्यूब पर, अभी निकालिए और अभी हाल ही सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर भारत देश का स्तंभ मिल जाएगा, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर वैरायटी दिखा रहा हूँ आपको, ये अलग से वीडियो बना रहा हूँ, कारण है ये शॉप आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी। और क्या है अलग से आपके पास? मेरे पास चूड़ी केस है, ये देखिए चूड़ी केस, इसमें अंदर चूड़ी रख सकते हैं, देखने चूड़ी सेट है इनके पास, चूड़ी स्टैंड है, हाँ तोप है, ये देखिए यहाँ पर तोप भी मिल जाएगी अगर आप तोप के शौकीन हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए यहाँ पर विद्या जी भी अमेरिका भुट्टा को खाती हुई, उद्गम हो जा मैं लो, पैसा खर्च बंद करा बस मेरे। तो देख लीजिए दोस्तों आज इस मेले का आपको व्यू बताने की कोशिश की है, बने रहिएगा वीडियो में, और आप देख सकते हैं एक अच्छे मेले का आपको व्यू बताने के लिए ये छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ, चलते हैं, एक सुंदर वीडियो दी है, कल सुबह 7 बजे ये आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा।
रहे हैं, बच्चों का सामान काफी है इसमें। यहाँ पर लोग सामान को खरीदते हुए अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एंजॉय करते हुए यहाँ देख सकते हैं। क्या कुछ दिलाया है कि नहीं आपको? दिलाया है। चाट पकौड़ी खाई है कि नहीं? अभी नहीं खाई है कि खाली है? यहाँ पर फैमिली के साथ पूरे परिवार के साथ लोग एंजॉय करते हुए कारण है। यहाँ पर देख लीजिए, चैनल है मेरा यूट्यूब पर विद्या सुरेंद्र ब्लॉग के नाम से। चले विद्या सुरेंद्र ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पर बताइए बताइए कैसा लग रहा है मेले में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और क्या क्या खाया है? चाट पकौड़ी खाई है क्या? नहीं खाया, पैसे दे दो। क्यों 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 कुछ नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? पैसे नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चे थोड़ा सा लुप्त उठाते हुए इस मेले का। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के भूत बंगले का दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर भूत बंगला भी मिल जाएगा। क्या है अंदर? अंदर भूत है। थोड़ा सा खोल के बताइए। खोलेंगे नहीं। क्यों? टिकट लगता है? नहीं है, टिकट लगेगा खोलने। टिकट हम तो फेमस करेंगे आप। हजारों लोग आएंगे, ये बैनर छपे हुए हैं, हजारों लोग आएंगे हमारी वीडियो से। हाँ, याद रखिएगा भूत बंगला। भूत बंगला, हाँ। देखिए यहाँ पर तरह तरह के आपको भूत मिल जाएंगे। असली भूत है कि नकली भूत है? असली है। देखा है? डर लगा है क्या? देखा है? देखिए थोड़ा सा बता दीजिए भूत कैसे हैं? देखिए आज मैं आपको अमेरिका भुट्टा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तैयारियाँ करते हुए ये अमेरिका भुट्टा खा रहे हैं क्या आप? हाँ, अमेरिका। अलग स्वाद ले रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये अमेरिका भुट्टा है और यहाँ पर ये तैयारी करते हुए ऐसे पेश करते हैं। 50 रुपए का बिकता है। 50 रुपए का एक बिकता है। देखिए 50 रुपए का एक बिकता है अमेरिका भुट्टा। और बहुत ज्यादा मसाला वगैरह लगा कर ये देख लीजिए। यहाँ पर विद्या जी भी इस अमेरिकन भुट्टे का लुप्त उठाते हुए भले ही 40 रुपए लग जाए पर ये भुट्टा खा के रहेंगी। आज मेले का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको एक सुंदर वीडियो देने के लिए। ये गुना सिटी के प्रताप छात्रावास में आया हुआ हूँ। बने रहिएगा वीडियो में और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। कर लिया है मैंने पूरा कवर। देख लीजिए यहाँ पर एक बड़े मेले के आपको दर्शन करा रहा हूँ अपने चैनल पर। बने रहिएगा वीडियो में और यहाँ पर शॉपिंग करने आइएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर। और इससे पहले मेरे चैनल को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपको देख लीजिए यहाँ पर बढ़िया सुंदर पान लगाते हुए। कितने का एक पान है? 10 रुपए। 10 रुपए का क्या क्या डालते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर दिखाते हुए आदरणीय भाई क्या क्या डालते हैं और आपके मुंह का ये स्वाद बदल देंगे। एक सुंदर पान ये लगाते हुए ये मेले का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। और देख लीजिए ये प्रताप छात्रावास के अंदर ये मेला लगता हुआ। वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। और यहाँ देखिए गणेश भगवान स्थापित होते हुए। लाइव भी चलता है मेरा चैनल। कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। यहाँ किसके साथ आए थे? मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा के साथ? हाँ। शॉपिंग की है? हाँ की है। कुछ खाया है कि नहीं? हाँ। खाया लिया। यहाँ पर देखिए बच्चे एंजॉय करते हुए इस मेले का आनंद उठाते हुए।
बताइए क्या लिया है? कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया यहाँ पर, कुछ भी नहीं लिया है। बच्चे एंजॉय करते हुए यहाँ पर